हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त राहुल। आज हम आए हैं हजी अली दरगाह, जो कि है मुंबई में। ये दरगाह दोस्तों समंदर के बीचों बीच में है। इसकी काफ़ी अच्छी स्टोरी है दोस्तों। इस दरगाह पे दोस्तों काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी अलग अलग धर्म के लोग आते हैं। यहाँ आके वो अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं और उनकी मुराद बाबा के सामने रखते हैं। और दोस्तों ये दरगाह काफ़ी चमत्कारी है और इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो मिलते हैं आगे। हजी अली दरगाह आने के लिए आपको इसके नियर स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, जो कि है महालक्ष्मी स्टेशन। तो ट्रेन पकड़ो और सीधा महालक्ष्मी स्टेशन पे उतरो और फिर वहाँ से दोस्तों आपको टैक्सी और बस दोनों मिल जाएगी। टैक्सी लोगे तो सिर्फ 15 रुपये लेगी और वो आपको सीधा लाके हजी अली दरगाह के सामने छोड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, ये है वो चौक जहां आपको टैक्सी लाके छोड़ती है एकदम दरगाह के सामने। दोस्तों ये रहा सीमेंट का रास्ता जो सीधा दरगाह की तरफ जाता है। जब समंदर में ज्वार आता है तो ये पूरा रास्ता पानी से भर जाता है। ये उन दिनों की बात है जब पीर हजी अली शाह बुखारी उज़्बेकिस्तान में वीरान जगह पर नमाज पढ़ रहे थे। वहां से एक औरत रोती हुई गुजरी। पीर के पूछने पर उसने बताया कि वह तेल का पतीला लेके जा रही थी और वो गिर गया, अब उसका पति बहुत मारेगा। तो पीर ने उसे कहा, मुझे उस जगह पे ले चलो जहां वो तेल गिरा था। तो वो वहां गए और पीर ने वहां अपना अंगूठा जमीन में धसाया और वहां से तुरंत तेल का फवारा निकलने लग गया। पर इस चमत्कार के बाद पीर को काफ़ी बुरे बुरे ख्वाब आने लगे कि उन्होंने पृथ्वी को जख्मी कर दिया अपना अंगूठा धसा कर, और पीर काफ़ी बीमार भी हो गए। ऐसा कहा जाता है कि हजी अली शाह काफ़ी अच्छे व्यापारी थे उनके वक्त के। उन्होंने सुख और आरामदायक जीवन को त्याग कर दिया था इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद हजी अली शाह अपने भाई के साथ व्यापार करने मुंबई आ गए, उनकी माँ से इजाज़त लेकर। वो जहाँ व्यापार कर रहे थे वो जगह काफ़ी नज़दीक थी दरगाह से। कुछ वक्त के बाद उनका भाई वापस चला गया उज़्बेकिस्तान, पर पीर भारत में ही रह गए ताकि वो इस्लाम धर्म का प्रचार कर सके। मरने से पहले उन्होंने अपनी इच्छा जताई थी कि उनके कफन को दफनाया ना जाए बल्कि उसे समंदर में डाल दिया जाए। और उन्होंने उनकी माँ के लिए एक खत लिखा और उसमें गुजारिश की कि उनके नाम की ज़मीन गरीबों में बांट दी जाए उनके उद्धार और कल्याण के लिए। हजी अली शाह अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांटकर हज के लिए रवाना हो गए। उस दौरान उनका इंतकाल हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि वो ताबूत अरब सागर से होता हुआ मुंबई आ गया, जिस जगह अभी दरगाह है। उसके बाद 1431 में ये दरगाह बनाई गई। जब आप मुख्य द्वार से अंदर आओगे तब आपको रंगीन कांच की नक्काशी से लैस स्तंभ नजर आएंगे जिन पर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। इसके अलावा इस दरगाह के चारों ओर चांदी के खंभों का दायरा बना है जो कि काफी खूबसूरत है।
दोस्तों, आपके नज़र में ये दरगाह चमत्कारी है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।